इस बच्ची को रेस्क्यू करने आए हैं। इसको पूरा ब्लड निकल रहा है, इसके कान के पीछे से घाव हो रहा है। तो ये तो पास नहीं आई, वो इसका साथ वाला सिबलिंग है, ये पास आ जा रहा है। ये शैतान है थोड़ी, इसको पकड़ने के लिए भी टेक्निक्स कुछ कर रहे हैं, अगर आ जाए जिससे तैसे करके। ये ध्यान रख रही है रे, बहुत ही अग्रेसिव है ये तो। नहीं कॉटन पर एकदम दिखी हूँ, लेना चाबी ला भी है, कॉटन और बीटारिन लेना जी। खून जम गया अंदर ऐसा, कीड़े तो नहीं? नहीं कीड़े नहीं, ये लगी है। अरे आज जितने लगी है, रोज का बैटरी अभी नीचे है, जेल के नीचे है। गोड़ा में बांध रखे जो कर लेना। तो सही लाग रही है ना, सही लाग रही है। उठो निकल जाए तो मुझे दिक्कत है, अच्छी शान आई उठो निकल जाए। देख लो भाई जरूरत लाग रही हो तो ले लो, बाकी छोड़ो। नजर में देखे तो पता रहेगा कि इसके कहीं अंदरूनी ज़्यादा गहरी चोट होगी तो फिर खून क्यों अंदर खून भर के होगा, मतलब बाहर ना हो। ले लो ले लो, और क्या, नज़र तो रहेगी ना, फिर बाद में वहाँ पर छोड़ दो। कर ले लो इसको, फिर वो उसमें पिंजरे में। घर लाने के बाद भी बच्ची का काफ़ी सारा ब्लड लॉस हुआ है, और इसको जो ड्रेसिंग वगैरह की थी वो भी इसने सेल्फी उतार दिया है हाथ से खुरद खुरद के, और इतना और ब्लड लॉस हो गया है इसको। अभी थोड़ा डरी हुई है ये, और जब तक एक दो दिन तक थोड़ा अगर ये नॉर्मल नहीं लगती है तो इसका थोड़ा केयर और ज़्यादा टाइम तक रखेंगे, और अगर नॉर्मल लगती है तो इसे हो सकता है हम लोग कल ही रिलीज़ कर दे वापस इसके एरिया में। क्या हुआ बेटा, डरता है क्या तू? बस बोला तो है तू, इतना प्यारा बेटा है, हैं डरता क्यों है तू? ऐसा होते हैं कुछ बच्चे जो शुरुआत से जिन्हें किसी का प्यार बसास ऐसे नहीं मिलते स्ट्रीट्स पर, तो वो इसी बच्चे की तरह डरते हैं इंसानों से, जो कि इंसानों की क्रुएल्टीज फेस कर चुके होते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी। पर ये भोली है, एग्रेसिव भी नहीं है वैसे इतना, है तो वो लाइट बच्ची भोली है बहुत ज़्यादा, बस वाउंड की वजह से थोड़ा इरिटेट भी है, और ये ह्यूमन फ्रेंडली नहीं थी तो इसे पकड़ने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज हम लोग को फेस करना पड़ा। बट अभी ये पहले से काफ़ी बेटर लग रही है।